ब्यूटी से। आज बहुत ही असरदार रेमेडी मैं आपको बताने वाली हूँ थिक आईब्रोज के लिए, और बहुत ही इजी रेमेडी है, ज़्यादा कोई टाइम भी नहीं लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आईब्रो जो है पतले होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बार बार थ्रेडिंग करना, बार बार आईब्रो को बनाना, उसकी वजह से भी जो है हमारी आईब्रो जो है पतली होती है। उम्र के साथ साथ भी आईब्रो जो है हमारी पतली हो सकती है, और मेन रीज़न ये भी हो सकता है कि आपकी पहले से ही बचपन से ही पतली आईब्रोज हो, तो हम उसको थिक कैसे बनाएं, नेचुरली हम उसको थिक कैसे बनाएं, तो आज वो मैं अपनी इस वीडियो में आज अपनी वो रेमेडी आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कैस्टर ऑयल लिया है, और कैस्टर ऑयल जो है हमारी आईब्रो को थिक करने में बहुत ही मदद करता है। कैस्टर ऑयल में ओमेगा फैटी एसिड होता है जो कि हमारी आईब्रो को और आईलैशेस को, इनफैक्ट मैं आईब्रो और आईलैशेस दोनों के लिए आपको ये रेमेडी बता रही हूँ, और ये हमारी आईब्रो और आईलैशेस दोनों को थिक करने में बहुत ही मदद करता है। और कैस्टर ऑयल जो है, कैस्टर ऑयल से जो है हमारी आईब्रो और आईलैशेस की जो ग्रोथ है वो फास्ट होती है, और हमारे हेयर फॉलिकल जो होते हैं उसको ये मजबूत बनाता है, हमारे हेयर फॉलिकल को मजबूत बनाता है। ये हमारी स्किन में बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब होता है, कैस्टर ऑयल जो होता है वो हमारी स्किन में बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब होता है, और बिल्कुल भी इसको बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता है हमारी आईब्रोज में अब्जॉर्ब होने के लिए। जैसे हम इसको अप्लाई करते हैं ये थोड़ी देर के बाद, 5-10 सेकंड के बाद बहुत ही जल्दी से अब्जॉर्ब होता है, जिसकी वजह से ये हमारी जड़ों में जाके ये हमारे हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है। कैस्टर ऑयल के तो वैसे बहुत सारे बेनिफिट हैं, गंजेपन की शिकार जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी, और बहुत बहुत ज़्यादा कैस्टर ऑयल के फायदे हैं, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी मैं बताऊंगी। बट आज हम टॉपिक की बात करें थिक आईब्रो एंड आईलैशेस, तो ये ना सिर्फ हमारी हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है बल्कि होने वाले फ्यूचर में जो हेयर लॉस है उसको भी कैस्टर ऑयल जो है बहुत ईजीली कम कर देता है। और बहुत ही बढ़िया कैस्टर ऑयल की जो आज मैं रेमेडी आपको बताने वाली है, और ये हमारे रेमेडी का मेन इंग्रेडिएंट है, इसको बिल्कुल स्किप ना करें। तो और दूसरा मैंने लिया है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल तो बहुत इजीली हर घर में हो जाता है, मिलता है, तो कोकोनट ऑयल के लिए, तो कोकोनट ऑयल में एसेंशियल और प्रोटीन होते हैं जो, और विटामिन भी होते हैं जो कि हमारे आईब्रो को थिक, डार्क और मजबूत बनाने में मदद करते हैं। किसी किसी की आईब्रो जो है पतली होती है, तो ये जो होता है कि ऑयल, कोकोनट ऑयल जो होता है प्योर कोकोनट ऑयल होता है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल है कोकोनट ऑयल, तो आप वो भी ले सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे पैराशूट का प्योर कोकोनट ऑयल था, तो मैंने वो लिया है, और बट कि ये तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, हमारी आईब्रो को थिक डार्क बनाने में बहुत ही मदद करता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे विटामिन ई की 2 कैप्सूल लिए हैं। विटामिन ई कैप्सूल के तो बहुत सारे फायदे हैं, जो हमारे ओरली भी बहुत फायदे हैं इसके, और विटामिन ई के ओरली भी बहुत सारे फायदे हैं, और आप अप्लाई करते तब भी इसके बहुत सारे फायदे हैं। विटामिन ई जो है एक एंटीऑक्सीडेंट है जो जिसमें जो हमारे आईब्रो और आईलैशेस को जड़ों से मजबूत बनाता है, और ये हमारे आईब्रो को हेल्दी रखता है और हेयर फॉलिकल्स को डैमेज और रिपेयर करता है, और हमारे आईब्रो और आईलैशेस को और डार्क बनाता है। इनफैक्ट वैसे तो विटामिन ई के भी बहुत सारे फायदे हैं, कैस्टर ऑयल के भी बहुत सारे फायदे हैं, और पैराशूट के भी बहुत सारे फायदे हैं। तो ये तीनों चीज़ों को मिलाकर आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारे थिक आईब्रो हम कैसे बनाए। वैसे बहुत नेचुरल रेमेडी है और बहुत ही आसान और असरदार है, तो ये सारी चीज़ें हमारे जो आईब्रो को थिक बनाता है, जड़ों से मजबूत बनाता है, जिससे हमारे जो हेयर जो है वो अच्छे से ग्रोथ होते हैं आईलैशेस और आईब्रो के, और थिक होते हैं, और फ्यूचर में होने वाले हेयर लॉस से भी ये बचाता है। जो कैस्टर ऑयल है ये फ्यूचर में होने वाले हेयर लॉस से भी बचाता है। तो चलिए कैसे बनाते हैं अब मैं बताऊंगी आपको। मैं जो है एयरटाइट कंटेनर में बनाऊंगी, क्योंकि मैं इसको स्टोर करके रखने वाली हूँ, तो एयरटाइट कंटेनर में ही बना के रखूंगी। आप इसको जो है स्टोर करके भी रख सकते हैं, बहुत ही नेचुरल रेमेडी है, तो आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि विटामिन ई की जो मैंने 2 कैप्सूल लिए है उसको मैं सीजर की मदद से कट करके डाल दूंगी। मैंने 2 विटामिन ई की कैप्सूल लिए हैं, ये आपको किसी भी केमिस्ट स्टोर पे बहुत इजीली मिल जाएंगी। वो
बहुत ही आसान है। आप देखेंगे कि थोड़े ही दिनों में आपके जो आईब्रो है, जो पतले आईब्रो है, वो ठीक होने लगे हैं। और ऐसा कोई रेमेडी नहीं है कि जो आपने रात में लगाया और सुबह में आपको असर दिखने लगे, ऐसी कोई रेमेडी नहीं होती। आपको इसको रेगुलरली अप्लाई करना पड़ता है। इनफैक्ट 8 से 10 दिन के बाद ही आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और आफ्टर 2 मंथ्स आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद मैं कैस्टर ऑयल मिलाऊंगी, और कैस्टर ऑयल आप पे मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाने वाली। मैंने इसको जो है वन टेबल स्पून लिया है, और मैं इसमें और एक 2 टेबल स्पून मैं जो है कैस्टर ऑयल लूंगी। तो ये हमारे रेमेडी का मेन इंग्रेडिएंट है, तो इसको मैं थोड़ा ज्यादा ही लूंगी क्योंकि मैं इसको स्टोर करके रखूंगी 10 से 15 दिन के लिए कुछ, और ये जो मेरा स्टोरेज है ये 10 दिन के लिए इजीली चलेगा। और उसके बाद मैं इसमें मिलाऊंगी पैराशूट जो कोकोनट ऑयल है, जो मैंने अभी आपको बताया था, और इसका मैं जो है 1 टेबल स्पून लूंगी। आपको करना कुछ नहीं है, आपको ये सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला लेना है, और ये तैयार हो गए हमारी थिक आईब्रो एंड आईलैशेस की रेमेडी, और बहुत ही असरदार रेमेडी है फ्रेंड्स। मैं पर्सनल मेरा इसका एक्सपीरियंस है, और आप ज़रूर इसे ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस जो है मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, और मुझे बताएं कि आपको कितना फ़ायदा हुआ है। और आप कॉमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखना ना भूलें कि आपके एक्सपीरियंस मेरे साथ लिखना ना भूलें। तो आप इसको किसी भी एयरटाइट कंटेनर में रखें ताकि बहुत दिन आप इसको स्टोर कर सकते हैं। और ये मैंने डब्बे को बंद कर दिया है, और आप देख सकते हैं ये हमारा कितनी अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा रही हूँ, एक देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की थिक आईब्रो और आईलैशेस की रेमेडी। आई होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई, और पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन तक भी ये रेमेडी पहुँचे, और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको पसंद आई हो तो। और आई होप आपको पसंद ही आई होगी और आपके लिए यूज़फुल रही होंगी। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।